प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सब तो वड्डा मकसद है कि कोई हकदार सरकारी योजनावां तो वांझा ना रहे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा दे लाभार्थियों नाल संवाद कर रहे सन। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने दो दिन पहला 50 दिन मुकम्मल किए ने ते इस नाल 11 करोड़ लोगों का जुड़ना अपने आप विच ए दर्शाता है कि लोग इस नूं किन्ना हुंगारा दे रहे ने। उन्होंने कहा कि 12 लाख लोगों ने नवी उज्वला कनैक्शन लई अपलाई किया है। 2 करोड़ तो वध लोगों का हुण तक मैडिकल चैकअप किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विच ही नहीं दुनिया विच मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। सभी देशवासियों को आदर पूर्वक मेरा नमस्कार। 2-3 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना ये अपने आप में अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने गुरदासपुर जिले के कस्टम हायरिंग सेंटर इन ग्रुप पंजाब के लाभपात्री गुरविंदर सिंह बाजवा नाल भी संवाद किया। इकट्ठे हुए हैं, हमारा एक छोटे किसानों का ग्रुप है जो 2014 से अग्नि मुक्त जहर मुक्त खेती पे काम कर रहे हैं। तो क्योंकि हम सारे फसली अवशेष को जमीन में रखना चाहते थे तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, और जो आपकी सरकार की योजना आई है वहां से जब हमें मशीनरी मिली है तकरीबन 25 लाख की, उस पर हमें 10 लाख का सब्सिडी मिला, उसके इतने ज्यादा फायदे हुए सर। सबसे पहला फायदा यह है कि हम लोग इकट्ठे हुए उसको लेने के लिए। दूसरा, हमारी जो कर्जे के नीचे आने से बच गए हम। तीसरा, आय तो बड़ी है क्योंकि हम किराए पे काम करते हैं कस्टम हायरिंग का। चौथा, जो छोटे वाले किसान थे उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगी, उनको जो पराली प्रबंध करना बहुत आसान हो गया। पांचवा, ये जो अच्छी खेती कार्रवाइयां हैं ये पर्यावरण के पक्ष में गई उससे ज्यादा कहीं हमारी जमीन के पक्ष में गई है। हमारी जो जमीन का जैविक मादा है वो बढ़ गया है, उसकी वजह से जो फर्टिलाइजर थे उनकी जो जरूरत थी वो पहले से कम हो रही है। और सबसे बड़े वाला फायदा जो है वो सर पानी का और पर्यावरण का, उसकी कोई कीमत नहीं आकी जा सकती।